पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर में हमें दो पार्ट लेने हैं, एक स्मॉलर पार्ट होगा जिसको हम एक्स सेलेक्ट करेंगे और दूसरा क्या होगा वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई। अगेन यहाँ पे भी क्या, हमने एक्स ले लिया और ये वाई हो गया, और ऐसे ही हमने सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स और वाई ले लिया। जो ये स्क्वायर हमारा दिया गया है रियल स्क्वायर, इसकी जो लेंथ होगी वो एक्स प्लस वाई हो गई, सिमिलरली एक्स प्लस वाई ये और ये भी एक्स प्लस वाई। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला लिया गया है और एक ये हमारा न्यू स्क्वायर जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें कि साइड जो है हमारी, साइड ऑफ रियल स्क्वायर वो क्या है, एक्स प्लस वाई। एरिया अगर इसका निकालें हम तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जो एरिया रियल स्क्वायर का होगा वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर प्लस फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो दिया गया है, ये साइड हमारी जेड है, तो जेड का स्क्वायर हो गया, जो न्यू हमारा स्क्वायर है उसकी साइड क्या है जेड, प्लस फोर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे जो एक, ये हमारे फोर ट्रायंगल हैं तो इसका एरिया वन बाई टू हाइट एक्स बेस वाई, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, टू टाइम्स कैंसिल हो गया टू एक्स वाई, दिस कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम वेयर एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वाई इज इक्वल टू बेस एंड जेड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ओके okay.